बात महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग एक बार फिर सुलग उठी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में मराठा आरक्षण की गर्मी महसूस होने लगी है। आंदोलन की आग इस बार भी उग्र और हिंसक है और इस बार भी सरकार आरक्षण मुद्दे पर जल्द कुछ करने का सिर्फ भरोसा ही दे पा रही है। मराठा आरक्षण पर टेंशन, महाराष्ट्र में सियासी टेंशन। जारंगे का आंदोलन जारी, आरक्षण पर सियासत भारी। सरकार नहीं, हालात वही, राज्य में सब कब होगा सही। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का बवाल हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन विवाद शिंदे सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। शिंदे सरकार लगातार मराठा आंदोलन को शांत करके राज्य में स्थिरता बहाली की कोशिश में जुटी, लेकिन सरकार के साथ मराठा आंदोलनकारियों की बातचीत हर बार किसी न किसी मसले पर अटक रही और हालात जस के तस बने हुए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सियासत को एक बार फिर हिलाने वाले चेहरे पर पूरे देश की नजरें टिकी। लंबाई करीब 6 फीट, दुबली पतली कदकाठी, आंखें बुझी हुई, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं, हाथ कांप रहे। लेकिन इस शख्स के कांपते हाथों को देखकर महाराष्ट्र की सियासत भी हिल रही। अनेक वर्षापासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये चिघळलेला आहे। मी स्वतःही एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे। गावागावामध्ये अनेक ठिकाणी मराठा समाजाचे कार्यकर्ते हे उपोषणाला बसलेले आहेत। जरांगे पाटीलही गेल्या 4 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेसाहेब यांनी शिवतीर्थाच्या आपल्या मेळाव्यावरती आझाद मैदानामध्ये त्यांनी स्वतः शिवाजी महाराज शपथ घेऊन शब्द दिलेला आहे की मराठ्यांना ते आरक्षण मिळून देणार आहेत। मी स्वतः लोकसभा अध्यक्षांना भेटून हा राजीनामा देणार आहे जेणेकरून। इस शख्स को देखकर कौन यकीन करेगा कि इसने महाराष्ट्र सरकार को हिला कर रख दिया है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक को मजबूर कर दिया है। कोई यकीन करे या ना करे, एक बार फिर ये चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बना हुआ। इसका नाम है मनोज जरांगे पाटील। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना के अंतरावली सराटी में आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटील की तबीयत खराब नजर आ रही। अपना हफ्ता पूरा करने की तरफ बढ़ रहे अनशन के 5वें दिन सुबह 11 बजे जरांगे मीडिया से बात करने लगे तो वो 3-4 मिनट ही मीडिया से बात कर पाए। हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इसकी कोई फिक्र नहीं, मराठे आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन अपना ये आदमी राजीनामा देने से कम हो जाएगा। इसके वास्ते राजीनामा देने से पहले आप पूरी के पूरे मुंबई में जाओ और सरकार को अधिवेशन लेने के लिए तैयार कर दो और हमारे पीछे पूरा आपका मतदार संघ आपकी ताकत पूरी खड़ी कर दो। हजारों संख्या में आंदोलन में शांतता से आपके आदमी को उतरना को बोलो,
आप पूरे हमारे साथ रहिए। अपनी बात रखने के लिए उठे जारांगे के हाथ में माइक था और हाथ कांप रहे थे। अनशन के पांचवें दिन ही साफ हो गया था कि भूख हड़ताल पर डटे जारांगे की तबीयत उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन अपनों के हक की लड़ाई की जिद जारांगे को ताकत दे रही है। अनशन पर बैठे मनोज जारांगे की तबीयत को लेकर सियासत के साथ साथ अंतरावली सराटी के गांव वाले भी परेशान हैं। मौके पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन जारांगे ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे पाटिल का लगातार आमरण अनशन जारी है। आज अनशन का पांचवा दिन है और आज मनोज जारांगे पाटिल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब यहां पर नज़र आ रही है। रोज़ सुबह वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लेकिन वो सिर्फ 2 से 4 मिनट तक उन्होंने बात की। देख सकते हैं कि उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी स्थिति वहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आज हमने देखा कि उनके हाथ में माइक था, उनका हाथ भी कांप रहा था क्योंकि पिछले 5 दिन से सिर्फ 2 बार उन्होंने पानी लिया है, वो भी सिर्फ 2-2 घूंट पानी पीकर वो अपना आमर अनशन वहाँ पर कर रहे हैं। और उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद तो मराठा समाज में जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो गुस्सा और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर तारक, हमें बताइए, आज पांचवा दिन है, आज हमने देखा पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, आज उनका हाथ भी कांप रहा है, तो आप बात करते वक्त क्या कहेंगे तबीयत के बारे में? तबीयत तो बहुत नाजुक हो गई है सर, अभी तो वीकनेस बहुत ही कम, ज़्यादा वीकनेस हो गया है। अभी हाथ में माइक पकड़ने के लिए भी नहीं राजी है और बोलना भी बहुत कम आ रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। शुगर कम हुई होंगी, बीपी कम हुआ होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुआ होगा, इसी की वजह से क्या हो जाता है कि अब किसी को बोलने की इच्छा नहीं होती और किसी का सुनने की इच्छा भी नहीं होती और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आज मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, आज पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज का आमरण अनशन को शुरुआत हो चुकी है। खुद मनोज जारांगे पाटिल ने वहां पर कहा है कार्यकर्ताओं से कि आप अनशन कर रहे हैं तो उसके बारे में स्थानीय पुलिस को एक अर्जी दे दो ताकि उनको पता चले कि आपके गांव में वहां पर आमरण अनशन चल रहा है। इतना ही नहीं, जारांगे पाटिल ने ये भी कहा है कि कोई भी मराठा बंधु यहां पर आत्महत्या ना करें, आरक्षण ज़रूर मिलेगा और वो आरक्षण हम लेकर रहेंगे। अनशन के पाँचवें दिन जारांगे पाटिल की तबीयत वहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने सरकारी बसों में आग लगा दी। बीड जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद यहां से एसटी बस सेवा बंद कर दी गई। शनिवार रात एक बस को आग के हवाले कर दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी बस पर पथराव किया गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर बस सेवा को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मराठा आंदोलनकारियों ने रास्तों को जाम कर दिया, टायर जलाकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सत्ता की टेंशन बढ़ाने की कोशिश की। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने धुले सोलापुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इस स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से हाईवे ब्लॉक करने के बाद हाईवे पर यातायात ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को ही बीड में धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। इसके अलावा मराठा प्रदर्शनकारियों ने बीड शहर के करीब बाईपास रोड पर सड़क जाम करके आंदोलन शुरू कर दिया। आमचं आतापर्यंत जे आंदोलन होतं जारांगे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। पाटील म्हणतात की बघा शांततेने संयमाने आंदोलन चालू आहे, तरी पण ह्या सरकारला कुठल्याही पद्धतीची जागा आहे नाही। 30 दिवसाचं अल्टिमेट डील तर नंतर पुन्हा 10 दिवस वेळ वाढून दिला, तरीही सरकार आणखीन पण वेळच वाढून मागतं आहे। सरकार हा मराठ्यांचा अंत बघायला लागलं आहे, पण जर मराठ्यांचा अंत सरकारने बघू नये, ह्याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन मराठा समाज करू शकतो। मराठा समाज जेवढा शांत आहे तेवढा तीव्र पण होऊ शकतो, एवढं हे सरकारने लक्षात घ्यायला पाहिजे, ही कळकळीची विनंती आहे। आमचे बंधू माननीय जारांगे पाटील आज 4 दिवस झाला अन्नत्याग केलेला आहे,
तरी पण सरकार त्यांच्याकडे एक साधा सिंगल फोन करून पण विचारू शकत नाही। मराठा आरक्षण की टलती बात ने मनोज जरांगे और प्रदर्शनकारियों को एक बार फिर निराश किया और इस बार वो किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं। एक तरफ प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मराठा समुदाय का हर वर्ग मनोज जरांगे का साथ देने के लिए सड़कों पर उतर आए। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, रैली निकालकर जालना की तरफ कूच कर रहे हैं और मराठा आंदोलन की तेज होती मांग ने सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी। जालना के अंदर वाली सराठी में आंदोलन करने बैठे मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन करने के लिए मराठा समाज का ये बड़ा मार्च यहाँ से निकला है। ये शाहगढ़ पैटर्न फाटा से ये मार्च निकला है और ये अंतर वाली सराठी की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज का चौथा दिन है। देख सकते हैं कि मराठा समाज की सभी स्त्रियां यहाँ पर केसरिया रंग की साड़ी में यहाँ पर नजर आ रही हैं और युवक और महिलाएं भी बड़ी तादाद में वहाँ पर नजर आ रही है। इनका कहना है कि मराठा समाज को अब आरक्षण मिलना चाहिए, अगर आरक्षण नहीं मिला तो मराठा समाज यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा। आज ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। मनोज जरांगे ने इससे पहले भी कहा था कि सरकार आरक्षण दो, लेकिन सरकार आरक्षण नहीं दे रही है। अब सरकार ने सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिंदे कमेटी के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन मनोज जरांगे का कहना है कि आंदोलन ज्यादा बढ़ने से पहले ही आरक्षण मिले। जरांगे के समर्थन में ये बड़ा मोर्चा मार्च यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी रहे, मराठा आंदोलन को लेकर हर सरकार का रवैया अमूमन एक जैसा रहा है। जरांगे बार बार के मूड में हैं। उन्होंने राज्य सरकार के सामने 6 मांग रखी है जिनको लेकर पहले भी जरांगे आंदोलन पर उतरे थे। क्या है वो 6 मांगे, चलिए आपको बताते हैं। पहला, मराठा समाज को कुनबी का प्रमाण पत्र देकर मराठों को ओबीसी में शामिल करें। दूसरा, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 50% के भीतर मराठा के रूप में वर्गीकृत कर आरक्षण दिया जाए। तीसरा, कोपर्डी में बच्ची से दरिंदगी करने वाले हत्यारों को मौत की सजा दी जाए। चौथा, मराठा आरक्षण के लिए बलिदान देने वाले 45 भाइयों के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी मिले। पांचवा, हर 10 साल में आरक्षित ओबीसी का सर्वे कराएं, सर्वे कराकर सक्षम जातियों को आरक्षण से बाहर करें। छठा, सारथी के माध्यम से पीएचडी छात्रों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करें, उनके प्रश्नों का तुरंत समाधान करें। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है जालना में, उसको लेकर बड़ी संख्या में लोग पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है, खासतौर पर महिलाएं भी आई हैं, लोग भी आए हैं। हमारे डिमांड है और ये इतनी सारी जनता यहाँ पे आई, इस जनता को किसी ने आमंत्रण नहीं दिया है, ये अपने आप इधर जनता आई है। अरे आरक्षण की बहुत जरूरत है हमें, अरे हमें पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत आती है आरक्षण लेकर, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। और सरकार से मैं कहूँगा कि आपने आरक्षण नहीं दिया तो ये जो है मराठा है, ये मराठा बहुत भयानक है, ये कुछ भी कर सकते है, इसलिए आपको मराठा समाज को आरक्षण देना ही पड़ेगा। ओबीसी में 50% के अंदर ही आरक्षण चाहते हैं क्योंकि हमारे इधर बहुत तरुण लोगों की अभी दिक्कत है। इतना समाज आने का इसके वास्ते आए कि हम दिखा ले रहे सरकार को हमारी कि ताकत क्या है, आपने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो मराठा समाज क्या कर सकता है। ये है इस जाति में जमींदार और किसान और अन्य वर्ग के लोग शामिल है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में से 32% आबादी मराठा समाज की है। मराठाओं को योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी मराठाओं का ही दबदबा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मराठा ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग को हवा मिली 2021 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसके चलते 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ के बीच में है।
इस आबादी में अनुसूचित जाति के 15% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, अनुसूचित जनजाति के 7.5% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है और अन्य 2.5% लोगों को महाराष्ट्र में आरक्षण का लाभ मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग को मानते हुए मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया। इसके बाद जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण को घटाकर 12% से 13% कर दिया। इसके बाद मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिर महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कहां पेच फंस रहा है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है जिसमें अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, ओबीसी 19%, खानाबदोश जनजाति का 3.0%, खानाबदोश जनजाति खा 2.5%, खानाबदोश जनजाति गा 3.5%, खानाबदोश जनजाति घा 2.0%, यानी कुल 52% आरक्षण। ऐसे में मराठाओं को आरक्षण में शामिल करने का मतलब ये है कि उन्हें 50% के अंदर की आरक्षण देना होगा। ऐसे में ओबीसी समुदाय की नाराजगी का सामना राज्य सरकार को करना पड़ सकता है। इस बिल के खिलाफ मेडिकल छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट में चले गए। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को इसे घटाकर शिक्षा संस्था में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद की स्थिति में 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा आरक्षण के आंदोलन को शुरुआत हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया था। 5 जजों की पीठ ने 4 अलग-अलग फैसला दिया था, लेकिन सभी ने माना था कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। 50% आरक्षण की सीमा लांघना समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मराठा आरक्षण अल्ट्रा वायरस है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2019 में महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण टिक नहीं पाया था और यही वजह है कि सरकार के सामने मराठाओं को आरक्षण देना एक चुनौती बन गई। उद्धव सरकार और वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार दोनों मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके हाथ बंधे हुए हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है और ऐसे में चुनावी मौसम में एक बार फिर उठी मराठा आरक्षण की आग ने सियासत में नया उबाल ला दिया। जालना से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।